ना हिसाब किताब तो कोनी जितनी हिसाब किताब की आवाज लागे है। ओ मोटे राजकुमारी मन्ने बोले। हाँ मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ। बताओ सुनाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने ये धोना क्यों नहीं उठाया। धोना क्यों नहीं उठाया? हाँ तुम ये कहना चाहती हो कि धोना क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? लेकिन ये पूछ के धोना क्यों लगाया? हाँ चल ये बताई कि ये धोना क्यों लगाया। मैं दुनिया में अकेला हंडू और मेरा अकेले धोने बची को नहीं लागे। मैंने धोना यूं लगाया कि कोई धोना लगाने वाली भी मिल गया। मेरे धोने तक ये नुकसान हुआ। नुकसान ये है कि जो तेरे धोने का धुआं है ना, देख मेरी आँख छोटी छोटी होगी, धुआं लगता है मेरी आँखों में। मेरे धोने के धुआं ने कोई फुलवारी में नुकसान करया हो तो बता। हाँ फुलवारी मुरझागी देख सारी। जो हरिया फूल है वो हरिया है, जो पीला है वो पीला है। हाँ, सारे फूल मुरझा रहे हैं। और जो गुलाब है वो गुलाब है, जो कली है वो कली है। मेरे धोने के धुएं ने कोई नुकसान नहीं करया। तेरे धोने के धुएं ने बहुत नुकसान किया है। नुकसान किया है? हाँ। तो नीचे आ जा भरपाई कर दूंगा। अच्छा मैं नीचे आऊँ? हाँ। मैं नीचे नहीं आऊंगी। क्यों? तुझे आना है तो तू ही ऊपर आ जा। हाँ, मैं तो ऊपर आऊंगा पर कभी जुगाड़ देख लियो। तू ये धोना नहीं उठाएगा? नहीं उठाऊंगा। चल तू एक काम कर। हाँ। तू ऊपर आ जा। ऊपर आ जाऊँ? हाँ। सतपाल जी जाऊँ? यूँ पूछ के धोना क्यों लगाया? क्यों लगाया? धोना लगाने की नौबत क्यों आई? क्यों आई नौबत? मैं कोई आम साधारण आदमी नहीं हूँ। कदा यूँ सोच रही होगी यूँ ही डोले धोना ठाए। और कौन है तू? सच बताऊँ? सच बता। देश बानपुर का प्रतापी राजा मदन सेन कहते हैं मुझे। ओह आजकल साधुओं के यही हाल है। लेकिन यूँ पूछ के धोना लगाने की नौबत क्यों आई? क्यों आई नौबत? मैं राजगद्दी पर बैठा, एक फोटो वाला फोटो देखने के लिए आया। मैंने उसे अपने पास में बुलाया। अच्छा। घनी सारी तस्वीर ले रहा, मैंने सभी फोटुओं को देखा लेकिन कोई पसंद नहीं आया। तो मैं लेकिन जब जब तेरा फोटो आया तो एकदम ते करंट सा लग गया। तेरे? मेरे। क्यों? की तेरी फोटो के की तेरे चेहरे की इस ब्यूटी ने मेरे दिल पर इफेक्ट किया। अच्छा समझ ये बात का? समझ रही हूँ। की तेरे चेहरे की इस ब्यूटी ने मेरे दिल पर इफेक्ट किया। हाँ। मैंने फोटो वाले से काफी फोटो देखे, मैंने सबको रिजेक्ट किया। अच्छा। लेकिन जब तेरा फोटो आया तो राजकुमारी मैंने तेरे ही फोटो को सिलेक्ट किया। क्यों किया मेरे फोटो को सिलेक्ट? तेरे चेहरे का हाव भाव देखा। हाँ। तो देख के मैं पागल सा हो गया। पागल हो गया? तो मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं भी पागल सी हो गई हूँ। होगी ना पागल? हाँ। फिर देरी किस बात की? तो कहते रही हूँ ऊपर आजा। तेरे कारण मैंने कितने बड़े बड़े दुख सहे। कितने बड़े बड़े दुख सहे? सुन सुना सुना। और यदि के मैं धोने पे दुख पाऊं मैं धोने पे दुख पाऊं, अरे तू तो ले रही ठाट चवारे में। तेरा दुख देख कर ना एक बात याद आ गई। कौन सी? कि बहुत दुखी है तू। बहुत दुखी? बहुत ज्यादा। और आज आज की रात तो बहुत दुखी रहा। अच्छा। हाँ। तो चल थोड़ा सा तरस करती हूँ मैं तुझ पे। कर ले कुछ। हो तने आना हो तो आ जा देखू मैं तेरी बाट चबारे में। अरे मैं धोने पे दुख पाऊं, अरे तू तो ले री ठाट चवारे में।
राज पाठ का मालिक था, कर मेरा किरकिरा लाड़ दिया। तने प्राणों ते प्यारा समझू मन तेरा कह बिगाड़ दिया। तू लेरी मौज मच्छरों ने मेरा सारा गाती उपाड़ दिया। तेरे जबरी उल्हाने ने मेरा सारा नक्शा उपाड़ दिया। तेरे जबरी उल्हाने ने मेरा सारा नक्शा उपाड़ दिया। मैं पढ़िया टपू सुधुने राजकुमारी कहिए। तू तो मटके भी बड़ी सुथरी है। मैं सब काम बहुत अच्छा करती हूँ। सारे काम अच्छे करे सारे है। काम तने कहा है कि तने आना हो तो आजा, देखूं तेरी बात सुवारे में। बिल्कुल मैं क्यों कराऊं। देख कितने पहरेदार जो चारों तरफ तेरा पहरा दे रहे हैं, तेरे महल के सामने हथियार लेकर के खड़े हैं। हाँ। किसी भी पहरेदार ने बेरा पाटिया ना, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बेरा कैसे पटेगा, तू चुपके से आना, चुपके से। हाँ। एक खतरा है मन। कौन सा? अरे तेरे महल के दरवाजे पे दो दो पहरेदार खड़े। चुपके ते भीतर आ जाओ, मर जाने सब बाहर खड़े। ए मरवाना तेरी मरवाना के, मरवाना के तो मरवाना, मन चाहवे से वो लेके ने हथियार खड़े। वो इधर ही उधर टहल रहे ना, एक जगह लगातार खड़े। वो इधर ही उधर टहल रहे ना, एक जगह लगातार खड़े। जो पड़गी खबर ये रस्सी तेरी, हेरी हेरी हेरी। जो पड़गी खबर ये रस्सी तो मन देंगे पाँच चौबारे में। काम कर ले राजकुमारी। कौन सा? ये महल तेरा, पहरेदार तेरे, इस महल में से निकल के तू कहीं भी आ।
आना जाना कर सकती है, हाँ। कहीं भी उतर के जा सकती है, हाँ। मेरा एक कहना मान ले। कौन सा? अगर वाकई तू मेरे से सच्चा प्यार करती है। हाँ, करती हूँ। एक छोटा सा कहना। कौन सा? की बना तेरे नाम का साधु, मैं साधना तेरी करता हूँ। अच्छा। की बना तेरे नाम का साधु, साधना मैं तेरी करता हूँ, और राजकुमारी तेरी खातिर मैं जीता हूँ, तेरी खातिर मैं मरता हूँ। कौन सा काम करना है बता? कहीं एकड़वासी मिल लेंगे तू, आजा किसे बहाने पे। कहीं एकड़वासी मिल लेंगे तू, आजा किसे बहाने पे। इस काली रात अंधेरी में खुले भेद बाहर मेरे आने ते। हम मन तन की बतला लेंगे, कहीं जाके दूर ठिकाने पे। लेकिन तू एक बात नहीं जानता। के बात? मेरी है औरत की जात, बात कुछ समझ लिए समझाने ते। मेरी है औरत की जात, बात कुछ समझ लिए समझाने ते। तू शहद की भरी कटोरी से, अरे रे 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 रे, तू शहद की भरी कटोरी से तन जाऊं चाट सवारे में। शहद में मधुमक्खी भी रहती है, खा जाएगी तो नहीं मधुमक्खी। मैं भी कोन्या रहूं तेरे साथ लक्की घोट चबारे में। मैं भी कोन्या रहूं तेरे साथ लक्की घोट चबारे में। सकती? मैं नहीं आ सकती। फिर आने का कोई बढ़िया सा कोई खुफिया रास्ता बता दे। हाँ, रास्ता है। हरी कैसे तेरे दौरे आऊं, मन रहा बात ये तो। हरी कैसे तेरे दौरे आऊं, रहा बताइए तो। तड़फू सू बेचैन मन तू, आके गले लगाइए तू। अरे मैं भी तेरा हृदक, मैं भी तेरा दीवाना मन, कोई यतन बताइए तो। यतन है? कौन सा यतन है? कौन सा? सतपाल जी ने बताया मुझे यतन। उससे तो निबट लूंगा, एक और खलीफा बैठा। इन दोनों ने मिलके एक रास्ता बताया है। हाँ, यो भी सतपाल है। दोनों सतपाल, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों खतरनाक। इन दोनों ने मुझे रास्ता बताया है। इन दोनों ने रास्ता बताया? हाँ। मन बुलाने के लिए? बिल्कुल। फिर तो मेरे हितेशी हैं। बताओ रास्ता क्या है? बता। मन पिछवाड़े रस्सी गेरी, अब उसके जरिए आइए तू। मन पिछवाड़े रस्सी गेरी, अब उसके जरिए आइए तू।
आगे ते चाहे फांसी तोड़ के मरवा दे, बाकी मन पिछवाड़े तो बहुत डर लागे। अगर तू आगे से आएगा तो ये सब देखेंगे तुझे। ना ना ना। और पीछे से आएगा तो कोई नहीं देखेगा। ना आगे ते मर जाऊंगा तो कम लोग यूं तो कहेंगे कि हाँ कुछ करके मरिया, और ना तो यूं कहेंगे अरे मरिया तो मरिया कहाँ कर रहे। अगर तुझे पीछे से नहीं आना तो तू यही रहे, अपना धुने पे ही रहे। ए, ना राजकुमार यहाँ पे तुझे मच्छर खा जाएंगे। हरे राम बेसला छंदे अनोखे, हेरी री री हेरी री री हेरी री री री। हरे राम बेसला छंदे अनोखे, रहा से छाट चौहारे में। सुरेश चंद दीपा दोनों गावे रे छाट चौहारे में। सुरेश चंद दीपा दोनों गावे रे छाट चौहारे में। और मैं धोड़े पे दुख पाऊं तक, मैं धोड़े पे दुख पाऊं तू मेरी छाट चौहारे में। दुख पाऊं तू मेरी ठाट चौहारे में।